आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अलवर शहर में चर्च रोड पर एक फर्नीचर के गोदाम में कारीगर ही चोर बनकर आए, जो शर्ट पहन रखी थी उसे उतारकर चेहरे को ढका ताकि सीसीटीवी में पहचान नहीं हो सके। इसके बाद गोदाम से कई मशीनें चोरी कर ले गए जो फर्नीचर बनाने में काम आती हैं। गोदाम मालिक अनिल चौधरी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि चर्च रोड पर फर्नीचर की दुकान है और पीछे ही गोदाम है। 5 मार्च की रात को दो जने गोदाम की छत पर सीढ़ी लगाकर चढ़े, इसके बाद जीने से होते हुए गोदाम में पहुंचे। गोदाम के अंदर से ड्रिल मशीन, रद्दा मशीन, ग्राइंडर मशीन, रफू मशीन व हैमर मशीन आदि चोरी कर पार हो गए। दुकान मालिक ने बताया कि सुबह सीसीटीवी देखे तब पूरी कहानी समझ आई। दो जने ऊपर से गोदाम में घुसे हैं, चेहरे को खुद की शर्ट से ही ढका हुआ है, मशीनों को एक बैग में भर कर जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। खास बात यह है कि दुकानदार ने इन युवकों की पहचान कर पुलिस को बताया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले का खुलासा करेगी। दुकानदार ने शिकायत में बताया कि बिक्की व उसका साथी रात को गोदाम में घुसे हैं। दोनों को सीसीटीवी के आधार पर पकड़ा जाना आसान हुआ है। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। पुलिस का कहना है कि मामले की शिकायत मिल चुकी है, जल्दी खुलासा भी किया जाएगा। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।